सभी को नमस्कार और उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों का आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा संपन्न कराया जाता है, जिसमें हिंदी आपके 60 नंबर की आती है तथा हिंदी अन्य एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, ठीक है। तो उसी हिंदी की तैयारी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हम लोग तत्सम और तद्भव शब्दों को देख रहे थे, उसको हम लोगों ने देखा और फिर उसके आगे हम लोगों ने विशेषण और विशेष्य शुरू किया था। विशेषण और विशेष्य में हम लोगों ने देखा कि विशेषण की क्या परिभाषा होती है, जिसमें विशेषण को हम लोगों ने देखा कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करता हो, उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे रमेश एक अच्छा लड़का है। फिर इसके बाद हम लोगों ने विशेषण को गुण संख्या और परिणाम के आधार पर चार प्रकार में हम लोगों ने इसे बांटा था, जैसे सर्वनामिक विशेषण, संख्यात्मक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग गुणवाचक विशेषण को देख रहे थे, जिसमें गुणवाचक में हम लोगों ने 7 भेद माने थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, जितने भेद माने गए। तो गुणवाचक विशेषण, ठीक है, और इसी को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। इसमें 2 रह गया था, इसमें गुणबोधक और दिशाबोधक, ठीक है, गुणबोधक तथा दिशाबोधक आपका ये रह गया था। इसी को हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या विशेषता होती है इसकी और इसे किसे कहते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक देखिए, इसकी सीधी सी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा या विशेषता होती है कि जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों को बताए, ठीक है, उसके गुण को, जैसे मान लेते हैं कि उचित अनुचित भला बुरा, ठीक है, कोई व्यक्ति है मान लेते हैं तो वह उचित व्यक्ति नहीं है, ठीक है, तो इसमें उसके गुणों को बताया जा रहा है वह उचित है या नहीं, इस तरह से। तो उचित अनुचित भला बुरा अच्छा, ठीक है, फलाने सिंह बहुत अच्छे आदमी हैं, फलाने सिंह बहुत बुरे आदमी हैं, भाई साहब की भाषा बहुत गंदी है, ठीक है, इन सब सारे चीज़ों जिसमें गुण बताएं संज्ञा सर्वनाम के, उसे हम गुणबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे भाई साहब बहुत ईमानदार हैं, ठीक है, यह व्यक्ति बहुत ईमानदार आदमी है, ठीक है, तो इसमें व्यक्ति की ईमानदारी जो है उसकी गुण, उसका गुण है, तो वो जो है कि गुणवाचक विशेषण हो जाता है। इसमें ईमानदारी को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बेईमानी लिख सकते हैं कि बहुत घोटालेबाज आदमी है या वो बहुत जो है कि झूठ बोलता है, ठीक है, तो इस तरह से उसकी विशेषता जो गुण बताते हो, वह बहुत दयालु आदमी है, तो दयालु हो जाएगा इसमें, कृपण हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, ठीक है। जो व्यक्ति की गुणों को बताता हो या सर्वनाम के गुणों को बताता हो, खराब हो जाएगा, पापी दानी, ठीक है, वह बहुत दानी व्यक्ति है, न्यायी दृष्ट, जैसे कि हमारी न्यायपालिका बहुत ही बहुत ही अच्छी न्यायपालिका है, या फिर कह सकते हैं कि न्याय समय से देती है, ठीक है, तो इसलिए वह बहुत ही अच्छी न्यायपालिका है। तो गुणों को जो दर्शाते हो उसमें गुणबोधक विशेषण होता है। आगे चलते हैं। चलिए तो गुणवाचक विशेषण में लास्ट हम लोग 7वां देखते हैं, दिशाबोधक विशेषण, ठीक है। देखिए, दिशाबोधक विशेषण ये अपने आप में जो है कि नाम से ही अपने आप को विशेषता बताता हो, जैसे किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की जो है कि जिसमें दिशा बताता हो, दिशा यानी कि
आपके जो है कि ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, साउथ ये नॉर्थ, ठीक है। तो इस तरह से जो दिशा को बताता हो, जैसे निचला, ठीक है, ऊपरी, इस तरह से उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी इत्यादि, तो जो दिशा को बताता हो वो आपका दिशाबोधक विशेषण कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने गुणवाचक विशेषण को समाप्त किया, ठीक है। अब हम चलेंगे, नेक्स्ट है आपका संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण की हम लोग विशेषता देखते हैं। चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, बहुत ही वेरी सिंपल, एकदम सिंपल है, यहाँ कोई दिमाग नहीं लगाना है। संख्यावाचक विशेषण अर्थात जो संख्या को दर्शाता हो, जो संज्ञा और सर्वनाम की संज्ञा की विशेषता को, संख्या की विशेषता को बताता हो, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो अगर परिभाषा हम लोग देखें तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता हो, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण संख्या का पता चलता हो, संज्ञा और सर्वनाम का, ये एकदम सिंपल है। चलिए इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण में किस प्रकार से किसी संख्या का पता चलता है संज्ञा और सर्वनाम में, ठीक है। देखिए इसका हम लोग उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण अगर लेते हैं तो चार दिन, ठीक है, चार दिन। अब सारा दिन मतलब गिनती का लगा लीजिए, चार दिन, पाँच दिन, आठ दिन, दस दिन, ठीक है, नौ दिन, दस दिन, पंद्रह दिन, सोलह दिन, एक दिन, तो ये संख्या। फिर कुछ व्यक्ति, ठीक है, कुछ व्यक्ति, कुछ लोग, इस तरह से सब कोई, ठीक है, सब कोई, तो ये सारे जो है कि संख्या को बताते हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण में के भेद, संख्यावाचक विशेषण के भेद, संख्यावाचक विशेषण के भेद। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण के जो भेद होंगे, वह संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, ठीक है, पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित, ठीक है। इसमें आ जाएगा निश्चित और दूसरे में आ जाएगा निश्चित, एक में अनिश्चित, दूसरे में निश्चित। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते चलिए। अब देखिए निश्चित संख्यावाचक उदाहरण का अगर हम लिखें, ध्यान दें, तो निश्चित में इस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। तो इसमें जो बोध होगा हमें, वह संख्या निश्चित होगी इसमें, ठीक है, और इसमें जो बोध होगा हमें वह संख्या निश्चित नहीं होगी, ये अपने आप लोग जो है कि समझ सकते हैं, वह अनिश्चित संख्या होगी, अनिश्चित संख्या का बोध होगा और इसमें निश्चित। अब इसका एक एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे निश्चित का अगर उदाहरण आप लेंगे तो एक कार, मतलब ये निश्चित है, एक के अलावा दो कार नहीं हो सकती, ठीक है, या एक व्यक्ति, एक पुरुष, एक महिला, एक एक लड़का, एक लड़की, ठीक है, इस तरह से।
या दो लड़का, दो लड़की, पांच लड़के, 500 लड़के, 5000 लड़के, 10000 लड़के, इस तरह से संख्या निश्चित होनी चाहिए। तो इसी तरह से पांच कुत्ते, ठीक है। इसका उदाहरण अगर लेंगे तो इसको आप लोग समझ ही गए होंगे अभी तक। इसका कुछ लोग, मतलब इसमें सम की बात कही गई हो, कुछ लोग, कुछ व्यक्ति, कुछ लोग, सब लोग, ठीक है, सब लोग, कोई कोई व्यक्ति, इस तरह से, मतलब संख्या का बोध ना हो पाए, संख्या लूप हो जहाँ पे। तो इस तरह से निश्चित और अनिश्चित का होगा। ये सिंपल था, इसमें अब कुछ है नहीं इतना। अब हम लोग चलेंगे आगे निश्चित संख्या वाचक विशेषण के भेद और उदाहरण को हम लोग देखेंगे निश्चित का।